अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूवर्स? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं सैफ दुरानी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो माशाल्लाह पहुँच चुके हैं हम अपना ब्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं जो हमने अंजीर का पौधा लगाया था। ये इसके ना, ये देखें, ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। तो वो फिर भी खुद गिर भी जाते हैं नीचे, क्योंकि जैसे ये पकते हैं ना, ये फिर खुद गिर जाते हैं। अब देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा है ना, ये भी ऐसे ही पकता है। चलो अभी तो बहुत छोटा है, अभी इसको होने देते हैं, हम खुद नहीं तोड़ते। चलो खुद ही टूट जाएगा। और देखें घास, पानी लगाया था ना हमने उस दिन, घास देखने कितना ज़्यादा हो चुका है उसके बाद। चलो इसकी स्प्रे तो अब खा नहीं सकते क्योंकि ये ओवर टाइम हो चुका है। तो चलो जैसे है इसको ऐसे रहने देते हैं। तो उस दिन हमने आते ना इस कस्सी में पानी लगाया था, इसमें से ऐसे फायदे, इनको भी पानी लग गया है। तो उससे ये होता है कि हमने बड़ा तंग हुए हैं, क्योंकि ना इसके जो पत्ते गिरते हैं ना, ये देखें इसके अंदर सारा आगे पानी जाने ही नहीं देते बिल्कुल, इतना इसमें गंद हो जाता है। जलील कर दिया था उस दिन एंड पे इसको पानी लगाया था, और वैसे भी रात हो गई थी। अब अंदर तो जा नहीं सकते, अंदर जाने से रह, क्योंकि अब देखें इतना, इतने अंदर पौधे हो चुके हैं, इतनी बड़ी तिल्ली हो चुकी है। तो इसके अंदर जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, टूटने का खतरा होगा, और टूटेगा तो फिर फल का नुकसान होगा। सारा देखना पड़ता है ये क्या चीज़ है। वो तेरी खैर है, ये कहाँ से आ गया? यही तो है जो हमने अनार को छुपाया था ना आपको, मैंने दिखाया था, यही उसी को डैमेज करता है। ये है ऊपर चढ़ जाता है पौधे के, और जो अनार बना हुआ है उसको ये खा लेता है आराम से बैठ के मज़े से, तो पता भी नहीं चलता है। इसको गुलहरी बोलते हैं, आपको मैंने दिखाया था, हम आपने मेरे ब्लॉग्स देखा होंगे। तो हमने उसको छापर में बंद किया होता अनार को, ताकि जब वो तैयार हो जाएगा फिर उसको हम खुद दिखाएंगे। बंद अंदर तो जा नहीं सकते, अब चलो साइडों से चलते हैं, जाके देखते हैं, टीटक भी नज़र मारते हैं उसको क्या पोजीशन है। उस दिन हमने रात को बंद कर दिया था, हमारा तो काम मुकम्मल हो गया था। तो उसका पत्ता वगैरह भी देखते हैं सारा, हर चीज़ जो न्यू लगाया था उसकी क्या पोजीशन है। इधर पानी आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा ये हमसे है ना साथ वाला, इसने हमसे पीटर मांगा था, इसने कहा था हमने पानी लगाना है, हमने कहा चलो आप चला लेना, मतलब यहाँ पानी खड़ा है। तो इसने शायद आज चलाया है, बल्कि हाँ आज चलाया, क्योंकि पानी अभी तक खड़ा है। तो हीटर को भी फिर देखते हैं इसने यूज़ किया है अब उसकी क्या हालत है, क्योंकि उसको थोड़ा सा इशू था उसका, वो ठीक करवाना था। हमारा तो काम हो चुका था, हमने कहा था चलो वो चलाएगा तो वो ठीक करवा लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने भी ठीक करवाया, उसने भी ऐसे गुजारा किया, बस चला दिया जैसे हमने चलाया था। जैसे इस तरह पानी है, इस तरह पानी है, अब हमें बने के ऊपर चलना पड़ रहा है। तो अभी स्लिप हो रहा था मैं, और कुछ नहीं, थोड़े ना ख़राब हो जाए गिर के। तो ये देखें साहब की तिल्ली है, ये बहुत छोटी है, इस तरफ हमारी माशाल्लाह बेहतरीन है। तो ये देखें इधर से इन्होंने बंद करके ना, यहाँ से ये बंद करते हैं, तो ये पानी सीधा उधर जाता है। तो फिर इन्हें इस तरफ पानी सारा लगाया, हम भी ऐसे करते जब वो जो आपको सफ़ेदे दिखाए अभी पीछे, उनको पानी लगाने के लिए इसको पीछे ले जाते हैं। चलो चल के देखते हैं फिर पीटर को उसकी क्या पोजीशन है। तो इधर से रास्ता भी अब थोड़ा सा कम हो गया, नीचे भी देखना पड़ रहा है, साथ वीडियो भी बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। वो यहीं की समझ नहीं आ रही है, तो टूटते जा रहे हैं, जैसे थोड़ी हवा चलती है ये नीचे आ जाते हैं, ऊपर तो जा नहीं रही है। चले अल्लाह इनको हिदायत दे। माशाल्लाह तिल्ली आउट क्लास की दे रही है अब, क्योंकि इसको पानी भी लग चुका है, खा तो दी नहीं इस दफ़ा। तो पानी के फौरन बाद हमने इसके ऊपर स्प्रे भी कर दी थी, आपको पता है। ये देखें टीटर के ऊपर हम गए हैं पहुँच, उस दिन आपको दिखाया था लेकिन चल रहा था, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आज सही से देखते हैं इसको, पट्टा वगैरह ठीक लगा हुआ है, इसके अंदर पानी भी खड़ा है, पट्टा ठीक खड़ा है। ये देखें ये न्यू पट्टा इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसमें इसमें डीजल डाल के फिर इसको चलाया जाता है, और ये बेहतरीन चलता है। वैसे तो सोलर यूज़ करते हैं हम, लेकिन
कभी कभार हमें चलाना पड़ जाता है जब हमारी फसल पानी पे आई हुई हो, मतलब पत्ते छत्ते मुरझा रहे हों, तो फिर मजबूरन हमें पीठ पर चलाना पड़ जाता है। सोलर से काम नहीं ले सकते क्योंकि सोलर बिजी भी होता है और कई दफ़ा बादल होते हैं, सोलर नहीं चल सकता। तो बाकी अल्लाह खैर करे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। अल्लाह ने की वान, खुदा हाफिज़।